जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं DHR Info। आज के इस वीडियो में अपन अनबॉक्स करने वाले हैं Digitech DWM001 माइक्रोफोन, जो कि एक वायरलेस माइक्रोफोन रहने वाला है। अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसका जो है एक साउंड टेस्ट भी करेंगे, आउटडोर और इंडोर का दोनों का टेस्ट करूंगा। साथ में मैं आपको अपना एक ओपिनियन दूंगा कि क्या ये माइक्रोफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। साथ में इसका प्राइस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। मैं देख रहा हूँ यार आप वीडियोज देख रहे हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज डू सब्सक्राइब। सो ये बहुत छोटा सा प्यारा सा बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जिसपे फ्रंट में Digitech की ब्रांडिंग है। साथ में इसका ट्रांसमिशन और रिसीवर जो है फ्रंट में ही बनाया हुआ है। नीचे की तरफ लिखा हुआ वायरलेस माइक्रोफोन एंड रिसीवर विद टाइप सी कनेक्टर। इसके मॉडल की बात की जाए तो DWM001 है। इसके अलावा इसमें दो मॉडल और आते हैं, ये स्पेसिफिकली जो है टाइप सी जैक के लिए रहता है, जहां पे आपके पास 3.5 mm जैक का ऑप्शन नहीं मिलता, वहां पे आप टाइप सी जैक जो है वो यूज कर सकते हैं, वहां पे बेटर ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा इसमें दो ऑप्शन और आते हैं, जो कि लाइटनिंग पोर्ट के साथ आता है, जो कि आईफोन के लिए यूज होता है। उसका मॉडल रहता है DWM002। साथ में अगर बात की जाए 3.5 mm वाले जैक की, तो 3.5 mm पिन के साथ भी ये मिल जाता है, जिसका मॉडल नंबर आता है DWM005। अगर बॉक्स की मैं बात करूं तो फ्रंट में इसमें मेंशन है विद टाइप सी कनेक्टर, जहां पे मेंशन है 4 hours का प्लेबैक टाइम। जहां पे आप इसको 1 घंटे चार्ज करते हैं तो आप इसको 4 घंटे तक लगभग यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं एज पर कंपनी ने जो मेंशन किया हुआ है वो 10 meters तक का रेंज मेंशन किया है, जो कि अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। बैक साइड में इस प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो मेंशन है, साथ में इसके स्पेसिफिकेशंस मेंशन है। स्पेसिफिकेशन आप चाहें तो कैमरा पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, और साथ में जो मैन्युफैक्चरर है उसकी डिटेल भी मेंशन है। इस पे जो प्राइस मेंशन है वो है 1995, बट एक्चुअली ये इतने का नहीं है। इट्स टाइम टू ओपन द बॉक्स। ओ वाओ, बहुत शानदार पैकेजिंग में आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपको ऊपर की तरफ फ्रंट में एक माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है, जिसे रिसीवर भी कहा जाता है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं माइक्रोफोन ग्रिल दिया हुआ है, ताकि जो साउंड है वो क्लियर जा सके। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट है, आई थिंक इसका पावर ऑन ऑफ जो है वो इंडिकेट करती है। पीछे की तरफ आप देखेंगे क्लिप देखने के लिए मिल जाता है, ताकि आप इसको जो है किसी शर्ट में या किसी कपड़े में आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। स्प्रिंग का जो टेंशन है वो एवरेज है, डिसेंट क्वालिटी में कहूंगा। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको एक पावर की देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप इस रिसीवर को जो है ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक टाइप सी कनेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चार्जेबल रहने वाला है। अब देखते हैं इसका जो ट्रांसमीटर है वो, ये ट्रांसमीटर आप देख सकते हैं लाइट वेट प्लास्टिक मटेरियल का ये बना हुआ है, और काफी सुंदर स्लीक डिजाइन में ये बना रखा है। यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, इस साइड कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो आपको दो लाइट्स देखने के लिए मिलती है। आई थिंक एक कनेक्टिविटी शो करती है और एक बैटरी स्टेटस दिखाती है, वो अपन आगे चेक करेंगे। साथ में देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या अपने को इसमें देखने के लिए मिलता है। ये फॉर्म हटा लेते हैं, ये इसका जो है यूजर गाइड है, जहां पे इसका कंप्लीट डिटेल मेंशन है किस तरीके से इसको जो है यूज किया जा सकता है। काफी कुछ इसमें जो है मेंशन है, इसको साइड में रखते हैं। साथ में इस बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स में अपने को क्या क्या मिला है। टाइप सी टू टाइप ए केबल आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि आप इस जो रिसीवर है इसको आप चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको विंडशील्ड देखने के लिए मिल जाती है, ये माइक के ऊपर लगाया जाता है। दरअसल उस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है जहां पे आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे बहुत ज्यादा विंड का जो है वो साउंड है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये जो नॉइस कैंसिलेशन है उसका काम करती है कुछ हद तक। इसको साइड में रखते हैं। केबल आपको मैं दिखा चुका हूं, काफी छोटा सा काफी सुंदर सा बॉक्स जो है दिया गया है, इन सबको साइड में करते हैं। देखते हैं इसके अलावा बॉक्स में और आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको एक छोटा सा पाउच देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप इसको जो है रख सकते हैं माइक्रोफोन को, और इसमें एक जो है इसका यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है कि किस तरीके से आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइम है इसको चेक करने का। फोन से कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो इसका ट्रांसमीटर है इसको कनेक्ट करना होगा आपको टाइप सी जैक के अंदर, कुछ इस तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है। ये हो गया इंसर्ट, और जो आपके पास
रिसीवर है, रिसीवर के पीछे आपको एक पावर की देखने के लिए मिलता है। इस पावर की को प्रेस करके रखना है 2 सेकंड के लिए। आप फ्रंट में देखेंगे जो लाइट है वो ब्लिंक करेगी। अगर लाइट कंटिन्यू जल रही है इट्स मीन ये जो है कनेक्टेड हो चुका है। अगर लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब आपको इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे जो ट्रांसमीटर है उसमें भी जो लाइट जो है वो कंटिन्यू जल जाएगी। जैसे ही आप इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं लाइट जो है ब्लिंक करने लग जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये ट्रांसमीटर कनेक्टेड है और अभी ये जो है सिस्टम पूरा कनेक्टेड है, इसलिए जो लाइट है रेड कलर की वो कंटिन्यू ऑन है। जैसे ही आप इसको डिसकनेक्ट कर देंगे लाइट देखिएगा ब्लिंक करने लग जाएगी। ये मैंने डिसकनेक्ट किया, आप देख सकते हैं लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग गई है। तो चलिए अब मैं आपको इसका जो है साउंड टेस्ट करवा देता हूँ। अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है बोया M1 माइक से, जो कि 3.5 mm जैक के साथ आता है, जो कि एक वायर्ड माइक्रोफोन है। अब बारी आती है मुझे इस वायरलेस माइक को चेक करने की। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और आपको सुनाता हूँ कैसा इसका जो है साउंड रिस्पॉन्स है, कैसा आउटपुट इसका मिलता है, फिर अपन आउटडोर टेस्ट करेंगे। गाइज अभी मैंने कनेक्ट कर लिया है डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन जो कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इसका साउंड आउटपुट आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको साउंड आउटपुट जो है ऑब्जर्व हो रहा है। साथ में आप नॉइस कैंसिलेशन देख सकते हैं। अब बारी है इसका आउटपुट टेस्ट करने की जो कि आउटडोर में अपने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको आउटडोर में लेके चलता हूं और आपको जो है इसका नॉइस कैंसिलेशन चेक कराता हूं कैसा इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं। गाइस अभी मैं आ गया हूं आउटडोर में, मैं एक पब्लिक पार्क में आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पब्लिक पार्क है और अभी आप जो है साउंड कैप्चर कितना कर पा रहा है माइक ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे जस्ट पीछे की तरफ आप देखेंगे एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ से बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और आप सुन सकते हैं या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि माइक कितना कैप्चर कर रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन किस तरीके से हो रहा है माइक में। और अगर आपको ये माइक का जो रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई बिलीव ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।